दौसा गंगापुर रेलवे लाइन पर अब ट्रेन चलने का इंतजार खत्म हो गया है। इसी कड़ी में आपको बता दें कि लालसोट ग्राम पंचायत इंदावा अरावली पर्वत वाला पहाड़ियों से बनाई गई प्रदेश की सबसे लंबी 2300 मीटर रेलवे सुरंग पर 120 की स्पीड से रेल इंजन दौड़ा, जहां अधिकारी कर्मचारियों ने वैदिक मंत्रों के साथ पूजा अर्चना कर रेलवे स्टेशन के लिए इंजन को रवाना किया। इस दौरान स्टेशन अधीक्षक कैलाश चंद्र मीणा और लोको पायलट सरदार सिंह भी मौके पर उपस्थित रहे। तो दौसा से डिडवाना का इसके लिए पूरी तैयारी रेलवे की तरफ से कंप्लीट हो गई है और पूरे जितने भी हमारे सोर्सेज हैं पूरे उनको यूज किया जा रहा है। हर कर्मचारी पूरी जिम्मेदारी से वो निर्वहन कर रहा है, जिसकी इस प्रोजेक्ट को सफल जो हो रहा है ये सभी लोगों के सहयोग से हो रहा है। इसलिए दिन रात मेहनत की है रेलवे ने, रेलवे के कर्मचारियों ने, सभी लोगों ने, और आज एक खुशी की बात है कि इस क्षेत्र के लिए कि कई सालों से ये अटका प्रोजेक्ट आज एक सफल कागार पे पहुंच गया है। और मैं सभी को बधाई देता हूं कि जल्दी ही ये सफल जो प्रोजेक्ट है अपने मुकाम से पहुंचेगा और यहाँ ट्रेन आज सर ये ट्रायल इंजन ट्रायल है। आज होता है अक्सर जहाँ से भी जो ट्रैक का इंजन ट्रायल होने के बाद में जो सीआरएस साहब आएंगे वो अपने हिसाब से पूरा चेकिंग करेंगे और फिर स्पीड ट्रायल वो ही करेंगे। आज कहाँ से कहाँ तक ये ट्रायल किया गया सर? लालसोट से अपने डिडवा। कितनी स्पीड में सर ये इंजन? नहीं अभी स्पीड तो नॉर्मल जा रहे हैं, लेकिन जो अभी मेरी बात हुई है वो 120 का अभी जस्ट मेरी बात हुई है। हमारे जो इंजन में बैठे हैं 3 बजे वो फास्ट स्पीड से लेके जाएंगे। जानकारी के लिए आपको बता दें कि दौसा गंगापुर सिटी रेलवे परियोजना पर लालसोट के डीडवाना इंदावा के बीच मौजूद पहाड़ पर प्रदेश की सबसे बड़ी रेल सुरंग का निर्माण हुआ है। 2300 मीटर लंबी सुरंग का निर्माण रेलवे अधिकारियों के लिए बड़ा चुनौतीपूर्ण रहा। गौरतलब है कि वर्ष 2014 में हुई भारी बारिश के बाद में सुरंग में पानी भरने एवं कई बार संवेदक द्वारा कार्य छोड़कर चले जाने के कारण रेलवे सुरंग का निर्माण बंद रहा। वहीं सुरंग में ब्लास्ट फ्लैश बिछाया गया और साथ ही साथ सिग्नल व टेली कम्युनिकेशन का कार्य भी पूर्ण हो चुका है। अभी के लिए केवल इतना ही। देखते रहिए पंजाब केसरी राजस्थान, मेरी एनालिसा के साथ। नमस्कार।